आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, चाहे मध्य प्रदेश का हम उदाहरण लें, हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें, गोवा का उदाहरण लें, वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है पिछले दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकारें जो है बनाई हैं। इस तरह की कोशिश हिमाचल में हो सकती है, इससे इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो भी चुने हुए विधायक आएंगे उन वो सभी समर्पित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। हिमाचल प्रदेश में जो है ऑपरेशन लोटस बिल्कुल सफल होने वाला नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। हमारा कोई भी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आने वाला नहीं है। क्या लगता है जो है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री केवल मीडिया में बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद जो पार्टी की एक प्रक्रिया रहती है, पार्टी आलाकमान की प्रक्रिया रहती है, यहाँ जो हमारे पर्यवेक्षक दिल्ली से आएंगे वो पार्टी के सभी विधायकों से बात करेंगे, सभी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान को वो लोग देंगे। और पार्टी आलाकमान हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यहाँ जो है फैसला लेगी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री का फैसला करना कांग्रेस पार्टी की जो आलाकमान है उसका विशेष अधिकार है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना ही किसी को कोई संदेह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पार्टी आलाकमान फैसला लेगी मुख्यमंत्री को लेकर वो सही होगा, और उसे कांग्रेस पार्टी के सभी चुने हुए विधायक और पार्टी जो है उसे जो है सर आंखों पे लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कोई लड़ाई नहीं, मुख्यमंत्री को लेके कोई लड़ाई नहीं है, अभी पटाक्षेप होने दीजिए, कल जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसके मुताबिक पार्टी आला कमान जो है अगला फैसला लेगी।